राजी हो गया तो तुमने इसका हक क्यों छीना? अबीरा कुछ तो बोलो। क्या हुआ? आज इसकी चोरी पकड़ी गई है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया चौंकाने वाला ड्रामा। अभिरा आशीर्वाद के लिए बेताब है, वह चुपके से रूही के प्रेगनेंसी के लिए बनाई गई पवित्र खीर खा लेती है। वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट जब विद्या, रूही और मनीषा एक साथ आते हैं और अभिरा को खीर खाते देखकर गुस्सा होते हैं और फिर विद्या का गुस्सा अभिरा पर उतरता है। तो तुमने इसका हक क्यों छीना? तुम इतनी लालची हो अभिरा, तुमने रूही की और होने वाले बच्चे की खीर खा ली। तुम्हें क्या लगा था कि ये खीर खाकर कोई चमत्कार हो जाएगा तुम्हारे साथ और तुम्हारी गोद भर आएगी? ऐसा कभी नहीं होगा अभिरा। तो हमारे घर में क्या कर रही हो तुम? और ये प्रसाद की खीर तुमने क्यों चुराई अभिरा? अबीरा कुछ तो बोलो। क्या हुआ? आज इसकी चोरी पकड़ी गई है। वही कहानी में आता है ट्विस्ट जब तनाव बढ़ाने पर चारू और कीरा परिवार के आरोपों के खिलाफ अभिरा के पक्ष में खड़े होकर उसका बचाव करती हैं। अभी आप माफी नहीं मांगी। मामी साहब अगर भाभी की जगह मैंने ये खीर खाई होती तो क्या आप मुझे भी ऐसे डांटती? पहले जवाब दीजिए मामी साहब। कल को मेरी और कियारा की शादी होगी। हमारे इलाज में दो चम्मच खीर खाने की वजह से इतनी खरी खोटी सुनाई भी तो आप लोग क्या देखते रह जाएंगे? माँ आप तो सबसे पहले लड़ पड़ोगी और आज आप ही अभी भाभी के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। हमारी घर की हालत इतनी खराब है, भाभी के थोड़े से खीर खा लेने की वजह से हम लुट गए क्योंकि आप लोग डांट भी ऐसे ही रहे हो। प्रसाद वाली खीर थी ये रूही और उसके बच्चे के लिए थी जो अबीरा खा गई। अगर इसको खाने नहीं था तो कुछ और खा लेती। खीर ही क्यों खाई? हाँ प्रसाद वाली खीर थी चढ़ावे के चावलों से बनाई। तो ठीक है मैं और चालू भी मंदिर जाके कलस्तर भर के चावल ले। हाँ फिर आप रोज ने खीर बना बना कर खिला पर कम से कम आप अपने घर की दूसरी बहुओं को दो चम्मच खीर खाने की वजह से चोट तो मत भुलाइए। इस बीच चारू अपनी शादी की बातचीत में अरमान और अभिरा को शामिल कराने पर जोर देती है जिसके कारण कृष्ण एक योजना बनाता है और संजय से बात करता है। वो दोनों अंतिम बात को भी उगा देंगे। देखिए पापा अरमान भैया को कॉल नहीं करेंगे। लड़के वाले आएंगे तो उनके और अभिनव भाभी के बारे में तो पूछेंगे ना। तब आपने क्या जवाब देंगे? आपने ये बोलेंगे कि हमारे घर में लड़ाई चल रही है या फिर ये बोलेंगे कि वो इस घर में नहीं रहते? अरे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे?